हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 14 के कंटेस्टेंट अभिनव शुक्ला की उस मूवी के बारे में जिसके बारे में उन्होंने अभी हाल ही के एपिसोड में जिक्र किया था कि मूवी फ्लॉप होने के बाद वो बैंकक्रप्ट हो गए थे और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी जिंदगी में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मूवी के बारे में बताऊंगा और मूवी कैसी लगी थी मुझे वो जब मैंने उसे अभी हाल ही में देखा उसके बारे में ही बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक ज़रूर कर देना अगर पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप इस मूवी को देखेंगे या नहीं देखेंगे। अभी हाल ही के एपिसोड में बिग बॉस सीजन 14 के एक टास्क दिया था बिग बॉस ने कि सारे कंटेस्टेंट को अपने डीप एंड डार्क सीक्रेट्स बताने हैं जनता को। ऐसा ही एक डीप एंड डार्क सीक्रेट बताया अभिनव शुक्ला ने, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी एक बहुत ही उनके हिसाब से प्रॉमिसिंग मूवी थी जो कि रिलीज हुई थी। उनको लगा था कि वो मूवी बहुत ज़्यादा हिट होगी लेकिन वो हिट नहीं हो पाई थी, फ्लॉप हो गई थी। और उसके फ्लॉप होने के बाद अभिनव शुक्ला को बहुत बुरा लगा था, वो डिप्रेशन में चले गए थे और बैंकक्रप्ट भी हो गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे और ये चीज़ उन्होंने अपनी वाइफ रूबीना से भी छुपाया था। तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी मूवी थी, मूवी का नाम उन्होंने नहीं बताया था। मैंने ऐसे ही अपना एक छोटा सा रिसर्च वर्क शुरू किया, अभिनव शुक्ला के बारे में सर्च किया। मुझे पता चला कि अभिनव शुक्ला हैज़ बीन पार्ट ऑफ लुका छुपी, अक्सर 2, लेकिन एक मूवी जो कि जिसमें इनका मेन लीड रोल था वो मुझे मिली और वो थी रोर, द टाइगर ऑफ सुंदरबंस। इस मूवी को देखने के बाद सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। VFX का काम इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, अभिनव शुक्ला का काम मुझे इस मूवी में बहुत कमाल का लगा और यहाँ तक कि जितने भी इसमें आर्टिस्ट थे, जितने भी एक्टर्स थे, उन सबका काम ही मुझे इस मूवी में काबिल तारीफ लगा। इस मूवी में आपको नोरा फतेही देखने को मिलेंगी। जी हाँ, नोरा फतेही, जिन्हें आजकल आप डांसर के रूप में देखते हैं मूवीज़ में, टीवी शोज़ में, रियलिटी शोज़ में डांसर के रूप में आप उन्हें जानते हैं, लेकिन आपको इस मूवी में उनकी एक्टिंग भी देखने को मिलेगी। मैंने मूवी देखी, मूवी का प्लॉट सिंपल सा है कि सुंदरबन में जो टाइगर रहते हैं, वाइट टाइगर दिखाया है जो कि अभिनव शुक्ला का जो किरदार है पंडित, उसके भाई को मार देती है। एक बाघिन होती है, वाइट टाइग्रेस होती है, जो कि अभिनव शुक्ला के किरदार के भाई को मार देती है। तो अभिनव शुक्ला का जो किरदार है यानी कि पंडित, वो अपनी टीम को लेकर, क्योंकि पंडित को कमांडो दिखाया है, वो अपनी टीम को लेकर अपने दोस्तों की एक टीम बनाकर एक पर्सनल मिशन पर आ जाता है सुंदरबंस में। और उसका मिशन ये होता है कि वो उस वाइट टाइग्रेस को जान से मारना चाहता है, उसे ढूंढकर उसे जान से ख़त्म कर देना चाहता है, क्योंकि जो लोग हैं आसपास के, जो सुंदरबन के आसपास रहते हैं, वो भी इस दहशत में रहते हैं कि वहाँ पर टाइगर बहुत हैं, टाइग्रेस बहुत हैं जो कि लोगों को मार देती है, मैन ईटर्स जिन्हें बोलते हैं। अब क्या वो उस वाइट टाइग्रेस को मार पाता है, नहीं मार पाता, ये जानने के लिए आप इस मूवी को देखिए। अगर आपने देख रखी है ये मूवी तो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये मूवी कैसी लगी थी। कमिंग बैक टू बिग बॉस 14, बिग बॉस 14 में अभिनव शुक्ला ने जिस हिसाब से बताया था कि मूवी बहुत तगड़ी फ्लॉप हुई थी और उसके बाद ये डिप्रेशन में चले गए थे, मुझे मूवी देखकर ऐसा तो लगा नहीं कि ये इतनी फ्लॉप होने वाली मूवी थी। लेकिन हाँ, हो भी सकता है क्योंकि लोगों की चॉइस तो हम जानते ही हैं। एक अलग कंटेंट बेस्ड मूवी जब भी आती है उसको या तो हम देखते नहीं हैं या तो लोग बाग देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक अलग हटके, एक नया एक्टर किसी मूवी में आएगा तो उसको लोग देखना पसंद नहीं करते, चाहे फिर उसका प्रमोशन सलमान खान ने ही क्यों ना किया हो। जी हाँ, रोर मूवी का जो प्रमोशन था और जो इसका थिएटरिकल रिलीज हुआ था ट्रेलर, उसका प्रमोशन सलमान खान ने किया था, सुपरस्टार सलमान खान ने। उसके बावजूद ये मूवी लोगों ने शायद ज़्यादा नहीं देखी और इसलिए ये मूवी कहीं खो गई। बट अगर मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर कोई प्लेटफॉर्म, Amazon प्राइम या Netflix, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अगर इस मूवी के राइट्स को खरीद कर इसे रिलीज़ करें, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये मूवी बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। वैसे फ़िलहाल ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है फ्री में, आप इसे देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको इसमें VFX का काम बहुत अच्छा लगेगा, आपको इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी लगेगी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। तो अभिनव शुक्ला का ये कहना कि ये मूवी फ्लॉप हो गई थी, इससे उनको काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, अगर तो वो यही मूवी है रोर, तो वो गलत है, क्योंकि मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी और इस मूवी को लोगों को देखना चाहिए था। और अगर लोग देखते, इसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसे अगर देखते, तो ये मूवी बहुत तगड़ी हिट होती।
तो आप इस मूवी को देखिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपके हिसाब से इस बार बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी कौन लेकर जा सकता है, आप वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हो तो, और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली गाइस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।